सिग्नल पर थोड़ी देर रुकते हैं, वो सैंडविच वहीं बैठे बैठे गाड़ी में ही खाते रहते हैं। खैर, भजन और भोजन जो होता है वो वर्तमान को देख के, भोजन ऐसे नहीं फ्रिज में रख दो 7 दिन बाद का, भजन भी ऐसे नहीं फ्रिज में रख दो भैया पुरुषोत्तम मास में निकालेंगे, श्रावण मास में निकालेंगे इसको, ये नहीं होता, वर्तमान में होता। भक्ति में एक सबसे जरूरत जो चीज है वो है, एक तो प्रभु पर श्रद्धा हो, दूसरा धैर्य हो, तसल्ली हो। ये नहीं कि महाराज हमने तो सोले माला शुरू कर दी, अब तक तो भगवान मिले नहीं। एक व्यक्ति ने संत को जाके कहा, महाराज मैं 20 साल से भजन कर रहा हूं, भगवान ने सपने में भी दर्शन नहीं दिया, क्यों? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तक तू इस 20 की गिनती को नहीं भूलेगा तुझे भगवान नहीं मिलेगा। ये 20 गिनती भूल तुझे अभी मिल जाएगा। कुंवर बेचैन साहब का एक शेर था कि तेरे आने की प्रतीक्षा में मैं उंगलियों पर दिन गिनता रहा, मेरा प्रेमी प्रियतम आए, मेरा भगवान आए, मेरा परमात्मा आए, तेरे आने की प्रतीक्षा में मैं दिन उंगलियों पर गिनता रहा, तू आया या ना आया लेकिन मुझे अपनी उंगलियां प्यारी लगने लगी, मैं भी माला जप करता रहा करता रहा, हरे कृष्ण बोलता रहा, तू आया ना आया लेकिन प्रभु मुझे अपने अपनी भक्ति से अपनी माला से प्रेम हो गया। भगवान डेट नहीं देगा कि उस दिन आऊंगा, तैयार रहना, जन्मों भी लग सकते हैं और एक क्षण में भी आ सकता है। धैर्य हो, तसल्ली हो, भगवान पर ऑर्डर नहीं दिया जाता कि आ जा, मैं प्रभु तू मुझे तब तक मत मिल जब तक तेरी इच्छा ना हो, पर हम लोगों को तो टीवियों में सीरियलों में नाटकों में बड़ा दिखाया जाता है, वो महिला बैठी है वो मैया के मंदिर में घंटी पकड़ पकड़ के, मैया मेरा पति जिंदा नहीं किया तो यही सर पीट पीट के मर जाऊंगी, घंटी बज रही है, सर पीट रही है, खून बह रहा है, फिर एक साथ उजाला आया, घंटी बजी और मैया से एक फूल गिरा महिला के ऊपर, और जैसे फूल गिरा पति हंसता हुआ हा हा करता खड़ा हो गया, हो गई भक्ति, इसको भक्ति कहा गया। भगवान ने मान ली, भगवान ने सुन ली और आ गया पति जी। अरे ये भक्ति किसने कहा ये भक्ति है? ठीक है आपकी श्रद्धा है उस पर मुझे कोई सवाल नहीं है, परंतु भक्ति का मतलब क्या है? एक मुस्लिम भाई खड़ा खड़ा रोज रोज कई सालों से नमाज पढ़ता गया, 10 साल बीते, 20 बीते, एक दिन आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा, अरे पगले तू 20 साल से नमाज पढ़ रहा है पर मैंने तो तेरी नमाज स्वीकार की ही नहीं। अब उस भक्त को खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए? खुश होना चाहिए, क्या होना चाहिए आप सब बताइए? सब ने कहा, अब दुनिया तो कहना शुरू कर ही देगी, हम तो कहते ही थे ये तो बस ऐसे ही आंख बंद करके बैठ जाता, कुछ आता जाता तो है नहीं इससे। और वो जो भाई बड़ा नाचा बड़ा कूदा, वाह अल्लाह तेरी रहमत, लोगों ने पूछा पगले तू खुश क्यों हो रहा है? तुझे अल्लाह ने कहा कि उसने तेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, उसने मुस्कुराते हुए कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने स्वीकार किया या नहीं किया, बस उसे इतना पता तो है कि मैं 20 साल से पढ़ रहा हूं,
उसको इतना पता है मेरे लिए मेरा जीवन जीने के लिए यही काफी है। बस हरि नाम। मेरी तो आप सबसे प्रार्थना है, मैं 7 दिन में 3 घंटे तो सिर्फ नाम के हैं, 1.5-2 घंटे में आपको कितना बताऊं, क्या बताऊं। मेरा मन तो करे कि सब कुछ बता दूं, पर उससे मुझसे लोग कहते भी है कि कथा तो शुरू ही नहीं होती, 3 घंटे खत्म हो जाते हैं। बात भी सही है, अभी देखो कथा भी शुरू नहीं हुई। परंतु सार तो यही है, 7 दिन अगर मौका मिल जाए तो हरिनाम की ही महिमा गाते रहो। ये कथा तो एक है कि भाई चलो ये हुआ वो हुआ, यहाँ उसको प्रभु ने मारा, ये किया, बाकी हरिनाम से बड़ी कथा दूसरी कोई नहीं हो। लेकिन हाँ एक बात और, हरिनाम में शर्त है कि हरिनाम में आपका जप तो हो ही हो, लेकिन आपकी वाणी में विनय बहुत जरूरी है। आप 16 माला फेरे जा रहे हो, जपे जा रहे हो, और आपकी वाणी अभी भी कर्कशा है, जब बोलती है हमेशा बुरा बोलती है। नहीं, जप के साथ वाणी में विनय हो, ये शर्त है। सुबह 2 घंटे भजन, शाम को 2 घंटे भजन सासू करती है, और वैसे सास बहू, वो जप का फायदा तब जब उनकी वाणी में वो कर्कशता निकले। जप का फायदा तभी तब जब आपके आपके घर के नौकर से आप प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, रौब ना झाड़ो उस पर। मैं तो बार बार कहती हूँ इस सत्संग को चरितार्थ कीजिए। एक आपके घर का नौकर आपकी पूरी जिंदगी लगा देता है, आप थोड़ा बहुत पूरी जीवन आपके लिए लगा देता है। आप संडे को घूमने जा सकते हो, उसको घर साफ करना है, फिर भी आप उससे, अगर आप अपने बेटे को एक बढ़िया सी मर्सिडीज कार दिला सकते हो, तो नौकर के बेटे को कम से कम एक साइकिल तो दिला ही सकते हो, तब तुम्हारी सच्ची भक्ति। विनय जरूर हो। अब कथा सुन रहे हैं टीवी पे बैठे बैठे, थोड़ा अपने घर के नौकर को भी बोल दो, भैया तू सुबह से काम कर रहा है, चल थोड़ी देर तू भी बैठ के हमारे साथ कथा सुन, तू भी कथा सुन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को भड़का, कल से नौकर ऑर्डर दे कि चलो टीवी चलाओ अब हम कथा सुनेंगे काम नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। परंतु फिर भी सत्संग का मतलब तो यही होता है, वाणी में विनय हो और मुख पर हरिनाम हो, क्योंकि हरिनाम से बड़ा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। ये ऋषियों ने गाया, ये मुनियों ने गाया, सब ने गाया, पूरे वेद शास्त्र भरे पड़े हैं भगवान नाम की महिमा को। लेकिन हरिनाम की महिमा का फल हमें इसलिए नहीं मिल पाता हमारी कमियों की वजह से। आइए सभी किस प्रकार श्री भगवान नाम की महिमा को कैसे गाया गया है उसका आप सभी श्रवण करते हो। धरती गाती अंबर गाता, गाते चारों धाम